पहली सीख का बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े, या स्पष्ट कहूँ तो माँ बाप द्वारा दी गई सीख संतान अपने जीवन में उपयुक्त करती है। अगर माता पिता गलत हों तो उनके द्वारा दी गई सीख भी गलत ही होती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम दुनियादारी नहीं जानते। ये कहां का नियम है? सत्य जो है वो तो सत्य ही रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, उसका कारण यह भी है कि मैं सत्य को सत्य कहने की कोशिश करता हूं। लेकिन बड़ी मुसीबत आती है, लोग कहते हैं जरा कूटनीति सीखो, और कूटनीतिक के होना मेरा स्वभाव नहीं, इनसे कैसे पार पाऊं? सत्य की नाव सत्य खेवैया, सत्य की यही चप्पू, तुम्हें क्या पार पाना है? जिसे पार पाना है वो पा लेगा। अगर सत्य के इतने मुरीद हो तुम, तो तुम्हें फिर यह भी पता होगा कि सत्य के आगे न सिर्फ झूठों की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि सच्चों की भी कोई हैसियत नहीं है। परमात्मा के आगे तो पापी और पुण्यात्मा सब बित्ते बित्ते भर के हैं, है ना? ये तो तुम यहां बखूबी कह दे रहे हो कि तुमको दिखता है कि दूसरे झूठे हैं। उसी दृष्टि से ये भी तो देखो कि तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारा एक ही काम हो सकता है, अपने छुटपन को स्वीकारना, और तुम्हारे भीतर जो बादशाह बैठा है उसकी सेवा में लग जाना। आगे का काम वो बादशाह देखेगा, कहा ना, राम की नाव राम ही खेवैया, वो कर देगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी परेशानी तो मुझे यह बता रही है कि तुम भी किसी ना किसी झूठ में फंसे हुए हो। जो झूठ में नहीं फंसा हुआ वो परेशान कैसे होगा? अगर झूठ तुम पर भारी पड़ता है तो एक बात पक्की है कि लड़ाई सच और झूठ की नहीं चल रही है, लड़ाई झूठ और झूठ की चल रही है। अगर झूठ तुम पर भारी पड़ता है और यही तुम्हारा सवाल है कि असहाय असमर्थ हो जाता हूं, तो एक बात पक्की समझ लेना कि दूसरी तरफ अगर झूठ है तो तुम्हारी तरफ भी झूठ ही है, क्योंकि झूठ पर तो कोई भी भारी पड़ सकता है। और झूठ जिस पर भारी पड़ता हो वो कोई दूसरा झूठ ही होगा। सच पर झूठ कभी नहीं भारी पड़ता। तुम पर झूठ कैसे भारी पड़ने लग गया? अब तुम पता करो, जाओ कि कौन से झूठों के साथ तुम अभी फंसे हुए हो। जैसे ही उनको हटाओगे वैसे ही तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। कल मैं कह रहा था ना कि सबसे बड़ा झूठ होती है मजबूरी। तो ये बात भी कि दुनिया तो बहुत झूठी है लेकिन ताकतवर बहुत ज्यादा है, और इस झूठी दुनिया की ताकत के सामने मैं बेबस हो जाता हूं। ये मजबूरी की बात धोखा है, झूठ है। ये सूत्र याद रहेगा, अगर झूठ तुम पर भारी पड़ रहा है
तो तुम भी सच्चे नहीं हो, सच्चे पर झूठ नहीं भारी पड़ता। अन्याय, आतंक, अत्याचार अगर तुम पर भारी पड़ रहे हैं तो तुम भी न्यायी और सच्चे नहीं हो। दुश्मन से लड़ने की जगह या दुश्मन को गरियाने की जगह दृष्टि जरा अंतर्मुखी हो, अपने आप को देखो। तुम दब कैसे जा रहे हो? लालच ही दबता है, स्वार्थ ही दबता है, और जहां स्वार्थ है वहां परमार्थ नहीं, जहां लालच है वहां आत्मा नहीं। तुम दब रहे हो इसका मतलब खोट तुम में है, दबाने वाले में नहीं। मजबूरी का रोना मत रोना,